सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज एक बार फिर से हम पोकेमॉन एमराल्ड की अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली बार हमने पकड़े थे लेजेंडरी पोकेमॉन होहो ल्यूगिया को, और आज गाइस हम जाने वाले हैं रेजिस की तलाश में, तीनों रेजिस की। और तुम लोग देख सकते हो मेरे पास में दो नए पोकेमॉन्स हैं, रेलिकेंट और वीलोड, क्योंकि गाइस इन दो पोकेमॉन्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। मतलब एक कोड है जिससे हम इन्हें सॉल्व करने वाले हैं, कोई पजल को, जिससे हमें तीनों रेजिस मिलेंगे। गाइज ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मतलब जैसे मैंने पोकेमॉन्स को रखा है ना, बिल्कुल वैसे ही रखना है, वरना यार तुम्हें वो पोकेमॉन्स नहीं मिलने वाले हैं। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पज़ल है, पता नहीं किसने यार इस गेम में ये सब किया होगा। मैं तो गाइज ये सोच रहा था, जिसने भी पहली बार इस गेम में ये पज़ल सॉल्व की थी यार, वो कौन होगा, किसने सोचा होगा कि हमें एक वेलॉर्ड पकड़ना है और एक रेलिकेंट और वेलॉर्ड को आगे रखना है और यहाँ जाके कोई पज़ल सॉल्व करनी है। सच में गाइज ये कमाल का है यार। और देखो आज गाइस मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे भी यार ये जगह नहीं पता है, मैंने खुद पहले नहीं देखी थी, बट यार मैंने कुछ वीडियोस देखी और मुझे पता चला कि ये लोकेशन है। वैसे मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं भी फर्स्ट टाइम गाइस जा रहा हूँ इस जगह में। तो देखते हैं यार तीनों रेजिस कहाँ होने वाले हैं। गाइस अगर तुम्हें पता हो तो ब्रैंडन एक चूजन वन था, मतलब ये जो हमारा कैरेक्टर है स्टोरी के हिसाब से यार इसे ही यहीं आना था, इसी ने ये पज़ल सॉल्व की थी स्टोरी में और ये यहीं आया था। बहुत समय पहले पोकेमॉन की हिस्ट्री वाली वीडियो में तुमने देखा था रेजिस कैद हो गए थे, मतलब अगर तुम्हें नहीं पता हो तो रेजिस को कैद कर दिया गया था क्योंकि लोग उनकी पावर से डर रहे थे। ये बहुत ही पुरानी बात है, क्योंकि जब रेजिस बने थे यार तीनों रेजिस ने मिलकर, चारों रेजिस ने, पहले रेजिगियस, मतलब ऐसे सारे रेजिस ने सब कुछ सॉल्व किया, मतलब सारी दुनिया बनाई, क्रिएट की, ज़मीन भी क्रिएट की, पर बाद में सारे इंसान उनसे डरने लगे, जिसकी वजह से गाइस फिर सारे रेजिस चले गए थे एक टेम्पल में, और यहीं उनकी जगह है, तीनों अलग अलग जगह में हैं। और अभी हम आ चुके हैं सील्ड चेम्बर में। यहाँ वैसे मुझे करना क्या है यार, ओके मुझे याद आ गया यहाँ मुझे क्या करना था। गाइस यहाँ पर तुम्हें डिक का यूज़ करना होगा, मैंने अपने पोकेमॉन को एक नया मूव सिखाया था, क्योंकि यहाँ से तुम लोग देख रहे हो एक नया रास्ता खुला है। और हम आ चुके हैं अंदर, और यहाँ पर गाइस हम प्रेस करेंगे तो हमें मिलेगा एक नया रास्ता। ये कैसी आवाज़ है, ओके पूरी ज़मीन हिल रही है, देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर। इट साउंडेड एज इफ अ डोर ओपन समवेयर फार अवे, ओके तो कहीं बहुत दूर कोई डोर ओपन हुए हैं, मतलब कोई रास्ते खुले हैं यहाँ से बहुत दूर। तो गाइस हमें सबसे पहले यहाँ से बाहर जाना होगा, क्योंकि अब हमें सारे रास्ते खुल चुके हैं तो जा सकते हैं हम कहीं भी। पहले तीनों रेजिस के टेम्पल्स के गेट बंद थे, पर हमने पजल सॉल्व कर दी है और गाइस फाइनली हम उनके पास में जा सकते हैं। तो आई थिंक मुझे यहाँ से निकलना चाहिए अब, और मुझे जाना है गाइस पहले, तो सबसे पहले हम जाते हैं आई थिंक रेजी रॉक की तलाश में, वो काफ़ी कूल पोकेमॉन है यार। और गाइस सच में इस गेम में यार तीनों रेजिस को पकड़ना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, रियली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, पर कोई बात नहीं। सबसे पहले तो यार मैं अपने पोकेमॉन्स को चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि अब ये दो पोकेमॉन मेरे कोई भी काम के नहीं है, इनका यूज हो चुका है, बस हमें इनसे पजल ही सॉल्व करनी थी। ओके गाइस तो फाइनली यार मैंने पोकेमॉन्स को चेंज कर दिया है, अब हम यहाँ से निकलते हैं। उन दो पोकेमॉन का कोई भी काम नहीं था, आई मीन कि यार काम था बट अब उनका काम हो चुका है, और हमें अपनी पुरानी टीम वापस लानी होगी। और गाइस मैंने अपने पोकेमॉन को रॉक स्मैश अटैक सिखा दिया है, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। एक HM जो हमारे पास में पड़ा था, मैंने एक सिखा दिया किसी एक पोकेमॉन को। ओके तो हम यहाँ से सिंपली इन पत्थरों को तोड़ना होगा, क्योंकि हम नहीं निकल सकते, मुझे यहाँ से ऊपर से जाना चाहिए, यहीं से है वो रास्ता का इस रेजी रॉक का। आई थिंक यहाँ से रेजी रॉक है, रेजी आइस और रेजी स्टील। तो गाइस सबसे पहले हम जाएंगे रेजी रॉक के पास में, उसके बाद में रेजी आइस या तो रेजी स्टील। आई थिंक यार मैं इस एरिया में पहली बार आ, ओके यहाँ पर सच में यार बहुत सारे ट्रेनर्स थे। और गाइस ये रहा यार रास्ता, फाइनली हम पहुँच चुके हैं डेजर्ट रुइंस में, वाओ फाइनली गाइस। और मैं यहाँ पर 2 मिनट सेव कर लेता हूँ अपने गेम को। ओके गाइस तो मेरा गेम फाइनली यहाँ पर सेव हो चुका है, और ये कौन है यार सामने हमारे, रेजी है, वाओ
क्या ये सो रहा है यार? मतलब अभी तक तो इसने कुछ भी नहीं किया, मतलब वो ओ एक रोबोट है यार ये, तो देख रहे हो गाइस। ओके नाइस, कि मैं इसके अंदर जा सकता हूँ? नहीं यार मैं इसके अंदर नहीं जा सकता, मजा आ रहा है पर देख रहे हो जैसे मेरी बॉडी बन गई हो। नाइस, तो गाइस फाइनली हम इससे बैटल करने वाले हैं यार। ओके गाइस, आज मैं यार थोड़े अलग तरीके से बैटल करने वाला हूँ, क्योंकि यार आज हमें 3 रेजीज को पकड़ना है, रेजी रॉक, रेजी आइस और रेजी स्टील। और तुम सभी को पता है यार इन तीनों पोकेमोन को पकड़ना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अगर यार हम इन्हें ऐसे ही पकड़ेंगे तो रियली वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है। इसलिए गाइस मैं फास्ट फॉरवर्ड का यूज़ करने वाला हूँ आज, जिससे हम इन्हें जल्दी जल्दी पकड़ लें। बेसिकली यार तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, इन्हें कमज़ोर ही करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें पकड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, रियली बहुत ज़्यादा। रेजी रॉक को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और तीनों रेजीज को, पर सबसे मुश्किल इनमें रेजी रॉक को हराना है। तो गाइस आज हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। फिलहाल तो मैं यार इसकी हेल्थ कम करने वाला हूँ, मुझे जितनी ज़्यादा हो सके उतनी हेल्थ कम करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं जब पोकेमोन कमज़ोर हो, और इसे कमज़ोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके तो फिलहाल तो गाइस ये कमज़ोर नहीं हो रहा यार, मुझे 1-2 अटैक और करने हैं। प्लीज़ 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 बस ये फेंटेड ना हो यार, तुम लोग भी सेव कर लेना हमेशा, गाइस मैं कहता हूँ यार सेव कर लिया करो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देखने वाला, ओ नहीं नहीं रॉक थ्रो, ओ थोड़ी सी हेल्थ गई, सुपर इफेक्टिव था, पर कोई बात नहीं, हमारा लेवल बहुत ज़्यादा है इसलिए गाइस हमारी फुल हेल्थ नहीं गई, और अब अच्छी बात है फ्लेम थ्रोअर से भी ज़्यादा हेल्थ नहीं जाएगी। नाइस, जितने मुझे चाहिए थी ना उतनी हेल्थ जा रही है। और अगर तुम्हें गाइस ना पता हो तो यार रेजी रॉक रियली में एक भगवान टाइप के पोकेमोन्स हैं, बहुत समय पहले इन्होंने यार बहुत से काम किए थे इंसानों के लिए, रियली मतलब जब पोकेमोन वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी ना ये पोकेमोन तब के हैं, तो तुम सोच लो यार ये कितने ज़्यादा पुराने पोकेमोन्स हैं, और तब से ये सो ही रहे हैं, मतलब हज़ारों सालों से। जस्ट इमेजिन गाइस इन पोकेमोन की कितनी कमाल की स्टोरीज होंगी। पर इन रेजीज की इतनी भयानक पावर्स की वजह से यार इंसान इनसे डरने लगे थे, जिस वजह से ये लोग वापस अपने केव्स में चले गए थे हज़ारों लाखों साल के लिए, जब तक कोई काबिल ट्रेनर आकर उन कोड्स को ना सॉल्व करे और इन्हें आज़ाद ना करे तब तक ये सोते ही रहेंगे। और गाइस फाइनली ब्रैंडन इन्हें आज़ाद किया था, जस्ट इमेजिन यार ब्रैंडन कितना कमाल का ट्रेनर था। और गाइस यहाँ पर फाइनली यार मैंने तेज़ कर दिया था गेम को, और फाइनली हम पकड़ चुके हैं रेजी रॉक को, तुम लोग देख रहे हो हमारे पास में फाइनली रेजी रॉक है, और मैं इसे आज अच्छा सा नाम देने वाला हूँ, मैं इसे रॉक नाम देना चाहिए आई थिंक। ओके गाइस तो मैं इसे नाम देने वाला हूँ रॉक, अब ये पत्थर है यार तो इसका नाम रॉक देना परफेक्ट होगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा भी नाम नहीं देने। और फाइनली गाइस हमने इसे रॉक नेम दे दिया है, काफ़ी कूल नेम है, हार्ड नेम। और अब हम जाने वाले हैं यार रेजी स्टील की तलाश में, सबसे पहले मैं रेजी स्टील को पकड़ूंगा, उसके बाद में रेजी आइस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो है कहाँ, आई थिंक वो मुझे ऊपर साइड में मिलने वाला है कहीं एक शहर में, जहाँ तक मुझे उसका रास्ता थोड़ा बहुत याद है, तो गाइस सबसे पहले हम वहीं चलते हैं। ओके पहले तो मुझे अपने पोकेमोन्स को ठीक भी करना है, तो हम देखते हैं पहले कहाँ जाने वाले हैं। ब्रेव कहाँ गया यार मेरा, ये रहा, मुझे मिल भी नहीं रहा था। ओके तो आई थिंक मुझे गाइस यहाँ जाना चाहिए सबसे पहले, यहाँ से मैं ठीक करूँगा अपने पोकेमोन को मोबाइल सिटी से, उसके बाद में हम चलते हैं दूसरे पोकेमोन की तलाश में। तो हमारे पोकेमोन्स हील हो चुके हैं तुम लोग देख सकते हो, और अब हमें जाना है लिलीकोप सिटी में, क्योंकि वहीं से रास्ता है रेजी स्टील को पकड़ने का। रेजी स्टील को पकड़ना यार उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर देखते हैं कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ये वाले रास्ते में भी हम ज़्यादा आगे तक नहीं गए थे, हम आए हैं लिलीकोप सिटी में पर हम ज़्यादा आगे नहीं गए हैं, और ज़्यादा घूमे भी नहीं हैं शहर में, पर यहीं से रास्ता है गाइस। पहले ये तीनों रास्ते बंद थे, तुम्हें कभी भी नहीं दिखते, मतलब हम कितना भी घूम लें ये रास्ते पूरी तरह से बंद थे, हमें नहीं दिखने वाले थे। पर जो हमने शुरुआत में कोड किया था ना, मतलब जो हमने कोड खोला है उन दोनों पोकेमोन्स की मदद से, उसी की वजह से यार ये सब हम कर पा रहे हैं, तो उन्हें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तुम लोग सोचोगे कि डायरेक्ट भी जा सकते हैं, तो नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम्हें उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है उन दोनों पोकेमोन्स की, और तुम्हें अगर उन्हें पकड़ना है तो तुम्हें रियली बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि यार उन्हें ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा घूमना होगा। रेलिकेंद को पकड़ना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, तुम्हें यार वेलोड मिल भी जाएगा, बट रेलिकेंद को पकड़ना ना हद वाला मुश्किल है, मतलब वो मिलता नहीं है यार। और हम फाइनली आ चुके हैं, ये वाली कौन सी केव है, एंशियंट टूम। ओके तो गाइस ये रहा सामने हमारा पोकेमोन, यहाँ पर 2 मिनट सेव कर लो। ओके तो अब हम चलने वाले हैं गाइस इनसे बैटल के लिए। ओके गाइस तो फाइनली हमारी बैटल हो रही है रेजी स्टील से, देखते हैं ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यार। तीनों में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर फिर भी इसमें टाइम लग सकता है। सबसे मुश्किल गाइस मुझे लगता है रेजी रॉक को हराना, क्योंकि वो सच में स्ट्रॉन्ग है।
एनीवेज इसके बाद यार सारे लेजेंडरी पोकेमोन्स की हंटिंग खत्म होने वाली है, हमारे पास में सारे हैं, मतलब हमने जितने भी इस गेम में लेजेंडरी पोकेमोन्स है सभी को कलेक्ट कर लिया है, तो सभी खत्म हो चुके हैं। अब हमें जाना होगा स्टीवन स्टोन के पास में, हमारी लास्ट बैटल होगी। अभी तक शायद हम स्टीवन स्टोन से नहीं लड़े हैं, पर ये गाइस हमारी फाइनल बैटल होने वाली है, तो मज़ा आएगा यार। वैसे मुझे स्टीवन स्टोन बहुत ज़्यादा पसंद है और आई होप अब तक उसके पास में मेटाक्रॉस होगा, तो बैटल करने में यार मज़ा आने वाला है। उसके बाद में हम एक नए गेम को स्टार्ट करेंगे, तो मुझे यार ये चीज़ ज़रूर बताना हम इसके बाद में कौन सा गेम खेलें, तुम लोग सबसे ज़्यादा किस गेम के लिए एक्साइटेड हो, ये चीज़ मुझे अभी कमेंट्स में बताओ। तो यार मैंने यहाँ पर गेम को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि इसे पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और तुम लोग देख रहे हो यार मैं लगातार उस पर पॉकीबॉल का यूज़ कर रहा था, और फाइनली हमारे पास में है रेजी स्टील। मैंने यार फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर दिया था क्योंकि इसे पकड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और हमें 3 पोकेमोन कलेक्ट करने हैं। ओके तो मैं इसे नाम देने वाला हूँ गाइस, अच्छा सा नाम स्टील कैसा रहेगा? नहीं 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 गाइस, मुझे एक अच्छा सा नाम याद आया इसके लिए, हम इसे नाम देने वाले हैं ये, देखो ज़रा मैं क्या नाम देने वाला हूँ, कमाल का नाम मुझे याद आया है जो कि सच में कमाल का लगेगा। ओके गाइस हार्डी, हार्डी कूल नेम है, मतलब स्टील से मैच कर रहा है यार, पता नहीं कैसे मुझे अजीब नाम आते हैं पर हाँ ये कूल लग रहा है मुझे। ओके यार अब हमारे पास में दोनों पोकेमोन्स हैं और अब लास्ट वाला बचा है वो है रेजी आइस, और आई थिंक मुझे पता है गाइस वो मुझे कहाँ पर मिलने वाला है। तो तुम लोग देख रहे हो गाइस मेरी पोकेमोन टीम को यहाँ पर, उसने यार रेजी स्टील ने मेरे सभी पोकेमोन्स को फेंटेड कर दिया था, पर कोई बात नहीं हम यहाँ पर आ जाते हैं। पर सबसे पहले तो यार मुझे कुछ पोकेबॉल्स खरीदनी है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ओके गाइस मैंने अपने पोकेमोन को हील कर लिया है और मैंने कुछ पोकेबॉल्स भी ले ली हैं क्योंकि पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, और रेजी आइस का रास्ता आई थिंक यहीं कहीं से होना चाहिए, यहीं कहीं से है उसके पास में जाने का रास्ता। और गाइस वैसे यार तुम लोग देखो हमारे पास में रेजी स्टील है जिससे यार पूरा स्टील बना है, मतलब अर्थ में जितना भी स्टील है ना वो सभी रेजी स्टील की वजह से है। जस्ट इमेजिन गाइस कितना कमाल का काम है, जितना भी स्टील है इस ज़मीन में वो सब रेजी स्टील की वजह से है, और जितने भी ये सब पत्थर दिख रहे हैं तुम्हें ये सब रेजी रॉक की वजह से है, पूरे पत्थरों को रेजी रॉक ने बनाया है, काफ़ी कमाल की बात है। और यहाँ पर एक पोकेबॉल है, ओके हमें आयरन मिला है यहाँ पर, और गाइस जो पूरा आइस है ना मतलब जितनी भी आइस है वो सभी रेजी आइस ने बनाई है, मतलब ये तीनों पोकेमोन यार कितने कमाल के हैं, तीनों ने कितना बड़ा काम किया है इस पोकेमोन वर्ल्ड के लिए यार, ये सच में अमेजिंग है। और इंसान इनसे डरने लगे थे जिस वजह से इन्हें वापस जाना पड़ा यार, मुझे यार ये सब सोच के यार सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा था जब मुझे पता चला ना इन पोकेमोन को ऐसे भेज दिया गया, मतलब ये खुद ही चले गए थे यार क्योंकि ये इंसानों को डरावना नहीं चाहते थे। ओके ये रही केव, और इंसानों को बुरा नहीं चाहते थे इसलिए यार ये खुद ही चले गए थे। ओके तो यहाँ पर मैं सबसे पहले गेम को सेव करने वाला हूँ, और मुझे यार पोकेमोन को चेंज भी करना है, मुझे आई थिंक यहाँ पर एलिस को पहले रखना चाहिए क्योंकि यार इसके अटैक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, हमने पहले भी एलिस की मदद से लोगिया और होहो को पकड़ा था और आई थिंक यहाँ भी ये काम आ सकता है। वैसे भी ये आइस है तो आई थिंक यहाँ पर एलिस काम आएगा ही क्योंकि वो फायर टाइप है, तो देखते हैं यार कितना काम आने वाला है। गाइस मुझे लगता है ना फायर स्पिन का यूज़ करके हम इसे पकड़ सकते हैं, फिलहाल तो मैं इस पर फ्लेम थ्रोअर का यूज़ करने वाला हूँ, आई थिंक इससे इसकी हेल्थ जाएगी। ओ भाई ओ अच्छा हुआ यार, मुझे लगा ये रियली यार ये फेंटेड होने वाला है, अच्छा हुआ उसकी परफेक्ट हेल्थ गई, मतलब मुझे जितना चाहिए था ना बिल्कुल उतनी ही हेल्थ गई है, तो आई थिंक यहाँ पर एकदम सही हुआ, मतलब मुझे जितना चाहिए था ना परफेक्ट हुआ है। और अब हम इस पर एक भी अटैक नहीं कर सकते क्योंकि मुझे पता है मैंने अगर एक भी अटैक किया तो ये ऑब्वियसली यार फेंटेड होने वाला है, तो मैं यहाँ पर सिंपली पॉकीबॉल्स का यूज़ करने वाला हूँ, और मैं यार सोच रहा हूँ फिर से वैसे ही यूज़ करूँ मतलब लगातार पॉकीबॉल्स का, देखते हैं अगर ये कुछ देर में पकड़ में नहीं आया तो यार हम ऑब्वियसली पहले जैसे ही करने वाले हैं। सो गाइस फाइनली यार हमने रेजी आइस को पकड़ ही लिया और अब हमारे पास में तीनों रेजीस हैं, नाइस। और मैं इसे नाम देने वाला हूँ कोई अच्छा सा, हम इसे कमाल का नाम देंगे क्योंकि ये हमारा लास्ट पोकेमोन है तो इसे कमाल का नाम देना चाहिए। ओके तो आई थिंक गाइस मुझे पता है मुझे इसे क्या नाम देना है, एक मिनट रुको यार मुझे एक कमाल का नाम आया है, रियली कमाल का नाम, तुम्हें सुन के मज़ा भी आएगा और मुझे कमेंट्स में बताना तुम्हें इसके बारे में पता है या नहीं, मुझे एक कमाल का नाम आया है, मैं इसे गाइस देने वाला हूँ एक कमाल का नाम क्योंकि यार ये आइस टाइप पोकेमोन है और ये ठंडा भी है, तो जस्ट इमेजिन ठंडपा कैसा नाम है। ओके तो ये काफ़ी कूल होगा ठंडपा क्योंकि एक आइस पोकेमोन है, पता नहीं गाइस मुझे पता नहीं ऐसे अजीब अजीब नाम क्यों आते हैं, पर हाँ मैं से ये नाम दे चुका हूँ।
एनीवेज आज हमारी लेजेंडरी पोकेमोन्स की हंटिंग खत्म हो चुकी है। हमारे पास में सारे लेजेंडरीज हैं, मतलब पोकेमोन एमराल्ड की लेजेंडरीज की हंटिंग कंप्लीट। अगली बार हम जाने वाले हैं स्टीवन स्टोन को हराने के लिए, और मुझे पता है उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा होगा। तो मुझे कमेंट्स में टिप्स देना मत भूलना कि मुझे स्टीवन स्टोन को कैसे हराना है, कौन से पोकेमोन सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे, और मुझे गाइस कितना लेवल चाहिए उसे हराने के लिए। और नेक्स्ट टाइम जब तुम लोग मेरी पोकेमोन टीम को देखोगे तो उनका लेवल तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करवाने वाला हूँ। तो गाइस सच में ये लास्ट बैटल कमाल की होने वाली है, पोकेमोनजर वर्सेस स्टीवन स्टोन, तो उसे देखना मत भूलना। एनीवेज गाइस, तो जाओ गाइस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।